हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेआर हिस्ट्री ऑफिशियल में। दोस्तों, आपके भाई ने नया चैनल स्टार्ट किया है, न्यू चैनल, और इसमें आपको हॉरर व्लॉग, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए व्लॉग, डेली रूटीन में क्या करता हूँ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी यार देखने को, क्योंकि सभी की इच्छा होती है। बाकी जो मेरा टाइटल है, थंबनेल है, उसको देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं आज कौन सी वीडियो लेके आया हूँ। और एक और चीज़, जिस तरीके से मेरे को आरकेआर स्ट्रिप से प्यार दिया, उस पर मेरे को प्यार मिला, उसी तरीके से मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि इस पर भी मेरे को उतना ही प्यार मिलेगा। दोस्तों, एक चीज़ थी और दिल में भी बहुत खटक रही थी यार, मैं भी सोच रहा था कि जो आपने टाइटल देख रहे हो आप, उन पे एक वीडियो लेके आऊँ। स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी समथिंग एक साल पहले डेथ हो गई थी, उन्होंने सुसाइड किया था या मर्डर हुआ था, कुछ भी क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। और बहुत से लोग उन पे वीडियो लेके आए, हालांकि मेरा कोई भी मन नहीं था उन पे मैं वीडियो लेके आऊँ। बाकी मैं उनका फैन था यार, उनसे पहले कभी बात नहीं कर पाया, पर मैंने YouTube पे बहुत सारी उनकी वीडियो देखी, और कुछ लोग EMF मीटर जो साइंटिफिक तरीके से मानते हैं उसको, EMF मीटर को, केटोमीटर को वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हाँ यार, इससे नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट होती है और बात करती है, तो उसी चीज़ से लोग भी बात कर रहे हैं, तो क्यों ना यार मैं भी सोचूं कि मैं भी बात करूं, क्योंकि दूसरे लोग भी तो कनेक्ट कर रहे हैं आत्मा को, सुशांत सर की आत्मा को दूसरे लोग भी EMF मीटर केटोमीटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। वो लोग घर पर कर रहे हैं और मैं अपने फार्म पर कैमरे पर अपने भाई अशोक है, ठीक है, EMF मीटर, ठीक है, USA मॉडल है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट होता तो चलो मान लेते यार कि शायद कुछ नहीं होगा, पर USA प्रोडक्ट है तो कुछ तो बात है। बाकी आज देखेंगे, सुशांत सर की आत्मा को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से लोग उनकी स्पिरिट से बात करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं, उनके साउल से बात करते हैं, तो क्यों ना यार हम भी ट्राई करें, क्योंकि मेरे भी दिल से इच्छा है कि मैं उनसे बात करूं एक बार, तो शुरू करते हैं इसी के साथ में। अच्छा भाई, पास में हो भाई। दोस्तों, EMF मीटर चालू कर लिया मैंने, ठीक है, और अशोक भाई यहाँ पर आओ, पास में आओ, इस तरफ आओ और यहाँ पर करो फोकस। दोस्तों, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, आपके सामने है मीटर पर एक बत्ती है, वो ऑन की है कि मीटर अभी ऑन है। एक मिनट, वापस इसको बंद करता हूँ, वापस हो गया चालू ही है, ठीक है। मैं आज रात को 12 बजे जिनकी एक साल पहले डेथ हुई, जो सेलिब्रिटी थे सुशांत सिंह राजपूत, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, उनकी आत्मा का आह्वान करता हूँ और अगर आप सच में हो इस दुनिया में, अपनी मौजूदगी की प्रेजेंस फील कराते हो बहुत से लोगों को, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। अगर आप इस दुनिया में हो, आपकी स्पिरिट्स है, तो मीटर पर एक बत्ती दे और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए मेरे को। अशोक भाई, लाइट को कम कर दो बिल्कुल।
बस आ रहा है ना क्लियर दोस्तों। एक और चीज है, उनकी जो डेथ महाराष्ट्र में हुई थी और मैं यहाँ राजस्थान में उनकी स्पिरिट से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे या तो कोई पागलपन है या बेवकूफ़ी है कोई, ये कोई पागलपन नहीं है दोस्तों। जब बहुत सारे लोग, मैंने वीडियो देखी यार, सच में मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैंने वीडियो देखी है, उनकी डेथ महाराष्ट्र में हुई और कुछ लोग दिल्ली में बैठ के यूपी में बैठ के उनकी आत्मा को कनेक्ट कर रहे हैं EMF मीटर से। तो यार जब उनकी आत्मा, उनकी स्पिरिट्स दिल्ली यूपी में कनेक्ट हो रही है तो राजस्थान में भी होगी, मानते हो इस बात को आप? और सभी मानेंगे मेरे को पता है, कौन कौन मानते हो जाके तो पहले कमेंट करना आप, ठीक है? तो मैं भी यही चाहता हूँ कि यहाँ पर उनकी आत्मा को कनेक्ट करूँ, शायद इस टेबल के ऊपर उनकी आत्मा कनेक्ट नहीं हो रही है। एक बार इस चीज को नीचे ट्राई करके देखता हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है? मैंने ये टाइम इसलिए चूज किया है कि इससे बेटर कोई टाइम नहीं होता। आज मैं मेरे फार्म पर हूँ, अशोक भाई और मैं, इसको नीचे ट्राई करते हैं भाई। यहाँ पे बैठो, वापस इसको बंद करके चालू करते हैं, ठीक है भाई? सुशांत सिंह राजपूत जिनकी डेथ एक साल पहले हुई थी समथिंग, मैं उनकी आत्मा का आह्वान करता हूँ यहाँ पर बैठकर रात को 12 बजे, और मुझे अपने होने की प्रेजेंस फील कराएं इस मीटर के जरिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आप सच में इस दुनिया में हैं? तो मीटर पे एक बत्ती थे, दोस्तों इस मीटर पे एक भी बत्ती नहीं आई है अभी, इसका मतलब क्या हो सकता है? मैंने दो बार ट्राई कर लिया, ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो एक भी बत्ती नहीं आई है, केवल एक बत्ती है वो मीटर ऑन होने की है। बाकी अब रखते हैं इसको ऊपर, लाइट तेज कर लो भाई थोड़ी सी। तो इसको क्या माने अब? मतलब यार मैं उनकी स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मीटर के जरिए, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रही है। कुछ तो रीजन होगा, रात को 12 बजे कुछ तो रीजन है इसलिए मेरे से कनेक्ट नहीं हुई उनकी आत्मा। मतलब यार सच बताऊँ ना, मैंने वीडियो देखी ना, बहुत दुख हुआ था मेरे को, और कसम खा के बोल रहा हूँ मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी वीडियो लाने की, मेरे को इतना दुख हुआ था यार। मतलब नीचता की हद होती है, घर पर बैठकर किसी की आत्मा को बुला सकते हैं। तो मतलब सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा, ठीक है, जो सुशांत सर की आत्मा है, उनसे बात कर रहे हैं लोग, फिर तो मैं अपने फादर की, मैं अपने फादर से भी बात कर सकता हूँ यार इस मीटर के जरिए, इस मीटर के जरिए मैं अपने फादर से भी बात कर सकता हूँ, ये तो सच है, उनसे बात कर सकता हूँ, तो फिर तो किसी की स्पिरिट से बात कर सकता हूँ जो इस दुनिया में है, या किसी की मोक्ष हो गई हो तो उनसे बात करना मुश्किल है यार। बाकी एक चीज है, मतलब कुछ लोगों की सोच ऐसी हो गई है घर पर बैठकर इतनी भसड़ मचा रखी है इस मीटर के जरिए उन्होंने YouTube पर, किसके लिए? ओनली फॉर व्यूज के लिए। व्यूज आएंगे, अपनी दुकानें चलेगी, काम दाम कुछ है नहीं,
जो खुद को पैरानॉर्मल साइंटिस्ट मानते हैं, सबसे बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मानते हैं अपने आप को, जिनको खुद को पता नहीं है वो कहां पर बैठे हैं। मेरा ये चैनल ओपन करने का केवल एक ही मकसद है, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, इस चैनल पे ऐसी ऐसी वीडियो आएगी जिसने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं होगा, वो इस चैनल पे आपको मिलेगा। वो लोग मतलब अपने, मेरे को बोलते हुए शर्म आती है उस चीज़ की, अपने जो अपना जो क्लोज फ्रेंड है वो मर गया, वो किस कारण मरा, किस कारणों से मरा यार, उसके फैमिली वाले क्या बीत रही होगी उसकी फैमिली पे, और वो उससे कनेक्ट करके ऐसे बैठकर उससे कनेक्ट करके बात कर रहे हैं इस मीटर के जरिए। क्या आप यहाँ पर हो? अगर हो तो मौजूदगी का एहसास दिलाओ, इस मीटर में बत्ती जलेगी। यार मैंने ये देखा है कि हॉन्टेड लोकेशन पे अगर किसी की अकाल मौत हुई है तो वहाँ पर ये मीटर काम करेगा 101%। मतलब घर पे किसी की आत्मा आ सकती है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि कोई इंसान घर पे किसी की आत्मा को बुला सकता है। फिर मेरा घर है तो मेरे फादर की आत्मा तो जरूर होगी, फिर मैं भी तो उनसे बात कर सकता हूँ यार उसी तरीके से। तो यार बस एक सवाल है मेरे दिल में, घर पे बैठ के ऐसा कुछ भी नहीं करे, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। और निजता की तो हद पार हो चुकी है वैसे भी, क्योंकि अपने मरे हुए दोस्त से आप इस तरीके से बातें करते हो, उसके फैमिली पे क्या बीत रही होगी। और चलो ठीक है यार उनसे बातें कर रहे हो, पर मुझे बुरा बस इस बात का लगा कि जो सुशांत सिर एक्सपायर हुए थे उनकी आत्मा को लोग घर पे बुला बुला के उनसे बातें कर रहे हैं यार, मतलब हद हो गई। अब तो लोकेशनों पे काम करते हुए उनकी फटती है, जा नहीं सकते, क्यों? पैसा खर्च होता है यार, अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ ऐसा तो मत करो कि दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ जाए। आज उनके फैमिली पे क्या बीत रही है वो खुद लोग जानते हैं, आप तो बस ये मीटर लिया और इससे बात कर ली। लोकेशन पे जाके कवर करो ना यार, लोकेशन पे जाके बात करो, बहुत सारी इंडिया में लोकेशन है दोस्तों जहाँ पर बहुत सारे लोगों की अकाल मौत हुई हुई है और आज भी उनकी रूह भटकती है। जरूरी नहीं है कि वो केवल इस मीटर से ही बात करे, वो अपने होने का एहसास किसी और तरीके से भी दिला सकती है। कौन कहता है कि आत्मा कुछ नहीं कर सकती? आत्मा वो कर सकती है जो अपनी लाइफ में किसी ने सोचा नहीं होगा। और यहाँ पर पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, आत्मा अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो बस मेरा फाइनली यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं करें, ठीक है? घर पे कोई आत्मा नहीं आती, अगर घर पे कोई आत्मा आती बुलाने से तो आज मैं 200, 300, 400, 500 किलोमीटर लोकेशनों पे भटकता नहीं फिरता, रात को 12 बजे आराम से बैठ के घर पर इस मीटर को लेता और सबसे बात करके आपको बताता कि उसके साथ में क्या हुआ था, उसके साथ में क्या हुआ था। कुछ शर्म करो भाई, ठीक है? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो दूसरों के नाम पे अपनी खुद की रोटियां सेक रहे हैं, और ये भूलो मत उनकी वजह से तुम हो, वो नहीं होते तो तुम कुछ भी नहीं होते। समझने वाले समझ गए होंगे, इशारा काफी है समझदार के लिए। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही, मेरा उद्देश्य बस यही समझाना था कि कुछ लोगों के यहाँ पर बात गुस्से है, ठीक है? तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? जो दिल में था, जो दिमाग में था वो मैंने बोल दिया, और कुछ गलती मेरे से हो गई हो तो मैं कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक ठोको, जिसको नहीं पसंद वो डिसलाइक कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई की वीडियो को, ऐसे ही वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर बात होती रहती है अपनी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं वापस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, क्योंकि लोकेशन बहुत डेंजरस होगी भाई, नया चैनल है, धमाका भी नया होगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल।